गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने यूनिट थर्ड का एडिएंटम टाइडोफाइट्स की बुक के अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम अल्टरनेट डेज पर टाइडोफाइट्स की क्लासेस और जो हमारा सेकंड पेपर है माइकोलॉजी, उस माइकोलॉजी की क्लासेस हम अल्टरनेट डेज पर लेंगे। हो सकता है 3 डेज हम टाइडोफाइट लें और 3 डेज हम माइकोलॉजी की क्लास लें। तो जैसे भी क्लासरूम जो है शेड्यूल बैठेगा, हम उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस डालेंगे, इसलिए 2 पेपर एक साथ हम कंटिन्यू चलाएंगे। तो माइकोलॉजी वाला पेपर भी आप लोगों के चल रहा है और टेरिडोफाइट्स वाला पेपर भी आप लोगों के चलेगा। तो यहाँ पर यूनिट थर्ड हम एडिएंटम की एक्सटर्नल, इंटरनल और गैमेटोफिटिक फेस को डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा मार्सीलिया, तो हम मार्सीलिया पर आज बात करेंगे। देखिए, मार्सीलिया जो है उसका कॉमन नेम, एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये वाटर फर्न के नाम से जाना जाता है। वाटर फर्न इसलिए क्योंकि ये पहला ऐसा टेरिडोफाइट्स है जो एक्वेटिक होता है, जो जल में रहता है, तो इसीलिए इसका कॉमन नेम क्या है, वाटर फर्न। इसी के साथ इसको पेपर वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। पेपर वर्ड जो है वो इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी लीफ और पिटियोल जो कि एक्वेटिक के कांटेक्ट में रहती है, सबमर्ज रहती हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, इसीलिए इसको पेपर वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन को हम अगर डिस्कस करें तो देखिए, इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन टेरिडोफाइट्रा, सब डिवीजन टेरोप्सीडा, क्लास लेप्टोस्पोरेंजिएट। ये वर्ड आते ही आपके माइंड में एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए कि जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा वो लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन के साथ में ही होगा। उसके साथ ऑर्डर है मार्सीलियल्स, फैमिली मार्सीलेसी और जीनस है मार्सीलिया। जो हमारा मार्सीलिया वाला ग्रुप है, मार्सीलेसी फैमिली की, ज़्यादातर फर्न जो है वो वाटर सबमर्ज होती हैं, पानी एक्वेटिक होती हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल फीचर ये है भी है कि यहाँ पर जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है वो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट एक हार्ड जो सीड कोट होता है उसके अंदर होता है। स्पोरेंजिया नहीं प्रेजेंट होती, स्पोरेंजिया की जगह एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं स्पोरोकार्प, ये स्पोरोकार्प के अंदर ही हमारी स्पोरेंजिया जो है स्पोर्स वो उनका फॉर्मेशन होता है। तो मार्सीलिया के केस में स्पोरोकार्प जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके डिफरेंट सेक्शन का डायग्राम हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आप उसका हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन या जिसे हम कहते हैं HLS, TLS ट्रांसफ़र लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, TS सेक्शन ट्रांसफ़र सेक्शन, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, ये डिफरेंट सेक्शन पर हर साल क्वेश्चन बनता है। तो आपको इसका जो स्पोरोकार्प का सेक्शन है उस पर आपको स्पेशल ध्यान देना है, उसके डायग्राम को स्पेशली देखना है। इसके साथ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मीन्स बाह्य आकार की, देखिए स्ट्रक्चर जो है इसका इस तरीके से दिखाई देता है। इसका जो स्टेम वाला पार्ट है, एक्चुअल में स्टेम यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, राइजोम पार्ट होता है, और राइजोम पार्ट जो होता है वो आपको पता है कि सॉइल सरफेस के वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, मींस इस तरीके से ग्रो करेगा क्रीपिंग पोजीशन पर, देन यहाँ से राइजोम पार्ट एरियल हो जाता है। और ये जो राइजोम पार्ट एरियल होता है इसी पर ही टेट्राफोलिएट जो लीफ है उनका फॉर्मेशन होता है। टेट्राफोलिएट लीफ मतलब 1, 2, 3, 4, 4 जो है वो लीफलेट प्रेजेंट होंगे, और इसकी हाइट जो होती है वो ऑलमोस्ट 50 मीटर तक हो सकती है, यानी काफ़ी लंबा होता है। देन ये अगेन क्रीपिंग पोजीशन पर आ जाएगा। इसके साथ जो रूट्स का डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर राइजोम पार्ट एरियल हुआ है उसी जगह से रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए, ये आपको राइजोम पार्ट जो है इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड दिखाई दे रहा है। जब ये 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड होता है तो दैट इज कॉल्ड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड।
डाइकोटोमसली ब्रांच्ड का मतलब होता है कि द्विभाजी शाखित है, दो भुजाओं में ये विभाजित होता है। इसके साथ यहाँ पर सिरसिनेटली कॉइल्ड जो लीफ स्ट्रक्चर है वो सिरसिनेटली कॉइल्ड होती है। सिरसिनेटली कॉइल्ड का मतलब है कि जब नई पत्तियाँ निकलने वाली होती हैं तो वो पहले इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर पर होंगी, जिसे हम कहेंगे सिरसिनेटली कॉइल्ड वेरिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से होंगी। ये जो स्पोरोकार्प की पोजीशन है ये डिफरेंट स्पीशीज़ में आपको अलग अलग दिखाई देगी। मे बी ये एक्जिलरी हो सकती हैं, इस तरीके से एक्जिलरी जो पोजीशन है कक्षस्थ, उस कक्षस्थ पोजीशन पर हो सकती है, या फिर इस तरीके से स्टॉक के साथ में ये कनेक्टेड हो सकती है। तो ये किसी भी तरीके से डिफरेंट स्पीशीज़ में, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ ये वेरी करता है। ये हमारा राइजोम पार्ट है, दिस पार्ट इज़ राइजोम। राइजोम पार्ट जो होता है वो इसका नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइडेड होता है, आर्टिकुलेटेड टाइप का होता है, तो नोड्स और इंटर नोड्स में डिफरेंशिएटेड होता है। उसके साथ जो हमारा राइजोम पार्ट एरियल होता है और उसके ऊपर लीफ फ्लैट का फॉर्मेशन होता है, तो वो पार्ट में ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड लीफ फ्लैट एंड दिस पार्ट इज़ कॉल्ड पीटियोल। तो पीटियोल वैसे भी लीफ जिस पार्ट से स्टेम से कनेक्टेड होती है उसे हम पीटियोल ही कहते हैं। जो रूट्स यहाँ पर प्रेजेंट है वो रूट्स जो होती है वो एक तो एक्रोपिटेली अरेंज्ड होती है। व्हाट इज़ एक्रोपिटेल? एक्रोपिटेल का मतलब होता है कि जो राइजोम है उस राइजोम के जो एपेक्स रीजन है यहाँ पर तो यंग रूट्स का फॉर्मेशन होता है और नीचे की तरफ जो है उस पर ओल्ड रूट्स जो हैं वो डेवलप होती है। मींस यहाँ पर जो रूट्स बन रही हैं ये सारी हमारी यंग रूट्स हैं और पीछे की तरफ सारी ओल्ड रूट्स हैं। तो इस तरीके से रूट्स का फॉर्मेशन होता है। रूट्स टेरिडोफाइट्स के केस में दोनों ही तरीके की प्रेजेंट होती है, या तो वो प्राइमरी रूट होगी या वो एडवांटिशियस रूट होती है। लेकिन प्राइमरी रूट जो होती है वो केवल सबमर्जल होती है, थोड़े ही टाइम के लिए प्रेजेंट रहती है, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू एडवांटिशियस रूट। मार्सिलियसी जो ऑर्डर है उसके अंदर, जो फैमिली है मार्सिलियसी, उसके अंदर सबसे स्पेशल कैरेक्टर ये कि इसमें जितनी भी स्पीशीज पाई जाती है वो सारी ही हेट्रोस्पोरिक होती है। हेट्रोस्पोरिक का मतलब है कि यहाँ पर दो तरीके के स्पोर्स बनेंगे, एक बनेगा माइक्रोस्पोर्स और एक बनेगा मैक्रो स्पोर्स। तो मींस ये भी अंडरस्टूड है कि दो तरीके के स्पोर बन रहे हैं, तो स्पोरेंजिया भी दो तरीके की बनेगी, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगी वो आगे चल करके किसका डेवलपमेंट करेगी? मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगी, और जो मेगा स्पोरेंजिया होगी वो आगे चल करके फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगी या फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएगी। ये दोनों ही स्पोरेंजिया किस में प्रेजेंट होती है? ये स्पोरेंजिया एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे हम स्पोरोकार्प कहते हैं, इस स्पोरोकार्प में प्रेजेंट होती है। और इस स्पोरोकार्प के अंदर बहुत ही स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं। इसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इसका जो ये स्पोरोकार्प है ये 50 इयर्स तक भी, अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये 50 इयर्स तक भी एज इट इज़ मेंटेन रहता है, ये जर्मिनेट नहीं करता। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो एक डिफरेंट मैकेनिज्म से इस स्पोरेंजिया के स्पोर्स जो हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं और वो जर्मिनेट करके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं। वाटर इज़ मस्ट, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक फर्न है। इट इज़ एक्वेटिक एंड सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब होता है बिल्कुल या तो पानी में डूबा हुआ हो और या फिर पानी में ही रहने वाला फर्न है। उसके साथ राइजोम पार्ट्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स। ये अभी मैंने आपको बताया कि राइजोम जो है वहाँ पर डिफरेंट नोड्स और इंटर नोड्स में ये डिवाइडेड रहता है। राइजोम क्या होता है एक्चुअल में? ये मॉडिफिकेशन है स्टेम का ही। कई बार स्टेम जो है वो एरियल पार्ट में कन्वर्टेड रहता है और इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, लेकिन कई बार स्टेम जो है वो सॉइल सरफेस के हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, क्षैतिज रूप से गति करता है। तो हॉरिजॉन्टल ग्रो करने के कारण ये हमेशा क्रीपिंग पोजीशन पर रहेगा। क्रीपिंग पोजीशन पर जब रहता है तो उसे हम स्टेम ना कह करके उसे राइजोम कहा जाता है। ये राइजोम पार्ट जो है वो नोड्स और इंटर नोड्स में डिफरेंशिएटेड
होता है। वैसे तो इसकी सारी ही स्पीशीज़ जो है एक्वेटिक होती है, वाटर में ही रहती है, लेकिन स्पोरोकार्प जो बनता है वो इसकी टेरिस्ट्रियल जो स्पीशीज़ है उस पर ही डेवलप होता है। इसकी दो स्पीशीज़, क्योंकि बिफोर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स में कि मार्सिलिया की दो स्पीशीज़ के नाम लिखिए, दो जातियों के नाम बताइए, तो आपको जो स्पेशल फीचर्स वाली स्पीशीज़ हो आपको उसी के नाम लिखने चाहिए। तो एक है मार्सिलिया राजस्थानेसिस, क्योंकि राजस्थान में ये स्पीशीज़ पाई जाती है इसलिए इसका नाम तो आपको याद रखना ही है, मार्सिलिया राजस्थानेसिस, और मार्सिलिया कंडेंसेटा, ये दोनों ही ज़ीरोफिटिक प्लांट है। तो ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट हो गए कि ये दोनों ही स्पीशीज़ जो कि ज़ीरोफिटिक है, जबकि हम बात कर रहे हैं वाटर फर्न की, तो ये एक तो स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया कि ये कौन सा है ज़ीरोफिटिक प्लांट। ज़ीरोफिटिक स्पीशीज़ का मतलब होता है कि ऐसा स्पीशीज़ जो कि मरुद्भिद में पाया जाता है, रेगिस्तान में प्रेजेंट होता है। तो एक्वेटिक फर्न है लेकिन प्रेजेंट कहाँ पर है, रेगिस्तान में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही इट्स अ स्पोरोफिटिक प्लांट। स्पोरोफिटिक प्लांट का मतलब क्या होता है कि ये एक स्पोर बियरिंग प्लांट है, यहाँ पर बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसके साथ प्लांट बॉडी आर डिवाइडेड इनटू राइजोम, लीव्स एंड रूट्स। जो प्लांट बॉडी है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, तीन भागों में विभाजित होती है। एक तो राइजोम, हिंदी में बोला जाता है प्रकंद भाग, फिर पत्तियों का लीव्स भाग एंड रूट पार्ट। देखिए जो इसका राइजोम पार्ट है, राइजोम इज अंडरग्राउंड, क्योंकि सॉइल सरफेस के हॉरिजॉन्टल रहता है, देन नीचे की तरफ ग्रो करता है, कुछ ऊपर की तरफ ग्रो करता है, देन फिर ग्रो करेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसी तरीके से। तो ये इस तरीके से रेंगता काफ़ी लंबाई तक आगे बढ़ता रहता है। तो राइजोम इज अंडरग्राउंड क्रीपिंग कंडीशन, रेंगने वाली अवस्था में पाया जाता है, सॉइल सरफेस के जो है कॉन्टैक्ट में रहता है। उसके साथ नोड्स एंड इंटर नोड्स में ये डिवाइडेड होता है, पर्व और पर्व संधियों में विभाजित होता है। जो इसकी नोड्स वाला, जो इसके नोड्स वाला पार्ट है, वहीं से इसकी एरियल ब्रांचेस निकलती हैं। मीन्स जैसे यहाँ पर एक नोड आया, देन ये राइजोम पार्ट, देन ये नोड्स आया, तो जहाँ पर नोड्स हैं वहीं से इसकी एरियल ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा, और जहाँ से एरियल ब्रांच निकलती है वहीं से ही रूट्स जो है एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन होता है। रूट्स, प्राइमरी रूट्स आर प्रेजेंट होती हैं फॉर शॉर्ट टाइमिंग एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू एडवेंटिशियस रूट। जो प्राथमिक मूल होती है वो केवल कुछ समय के लिए ही पाई जाती हैं और उसके बाद में वो अपस्थानिक जड़ों में एडवेंटिशियस रूट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो इसकी लीव्स होती हैं, वो लीव्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं। देखिए ये जो पीटीओल है, मैंने डायग्राम में बहुत शॉर्ट बनाया है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये इसकी हाइट कितनी हो सकती है, 25 मीटर तक की हो सकती है। तो बहुत लंबा बिल्कुल पतला सा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग है। स्टॉक्ड व्रंथ पाया जाता है, पीटीओल जो है वो व्रंथ ही होता है। कंपाउंड लीफ, कंपाउंड इसलिए होती है क्योंकि लीफलेट जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर सिंपल टाइप की होती तो इस तरीके से सिंगल स्ट्रक्चर ही होती। तो यहाँ पर ये कौन सी है, ये एक संयुक्त पत्ती है, कंपाउंड लीफ है। एंड क्वाड्रीफोलिएट, ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है, लेकिन इनका नंबर 3 to 8 हो सकता है। ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पर मार्सिलिया की स्पीशीज़ पाई जाती है ये क्वाड्रीफोलिएट ही होती है। क्वाड्री मतलब 4, तो 4 पत्तियों वाली संरचना है। वैसे ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ 3 to 8 तक हो सकती है। सिरसिनेटली कॉइल्ड वर्नेशन, सिरसिनेटली कॉइल्ड, जो यंग लीफ होती है वो स्टार्टिंग फेज में इस तरीके से, क्योंकि ये फर्न का स्पेशल कैरेक्टर है जिसे हम फ्रॉन्च कहते हैं, ठीक है। तो ये सिरसिनेटली कॉइल्ड मतलब यंग जो होगी लीफ वो इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहेगी, और आफ्टर जैसे ही ये रिकॉइल्ड होगी दोबारा से खुलने लगेगी, तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ तक की क्लास जो है वो है हमारी मार्सिलिया की क्लास, जो हम टेरिडोफाइट्स के केस में पढ़ रहे हैं।
आपकी 3 दिन में, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 3 दिन तक आपके टेरिडोफाइट्स की क्लास लूँ और 3 दिन मैं आपकी माइकोलॉजी की क्लास लूँ। तो जिस भी तरीके से आपको दोनों पेपर एक साथ ही हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर लीजिए। अदरवाइज़ हम थर्सडे को एक लाइव सेशन रखेंगे और लाइव सेशन के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को वहीं पे सॉल्व कर देंगे। तो थर्सडे को लाइव सेशन 10:30 AM 10:30 बजे लाइव सेशन होगा गूगल मीट पर। मैं आपको उसका लिंक शेयर करूँगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास का टॉपिक कल कंटिन्यू करेंगे।